हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द फॉरेक्स ऑन यूट्यूब चैनल। एंड ये आज हमारा सेवंथ डे है हमारे 75 हार्डेस्ट के चैलेंज का। सो अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें, ठीक है, पुराने जो भी आपने वीडियोस में एजुकेशनल कंटेंट को फॉलो करा होगा, सीखा होगा, उसमें आपने यही सीखा होगा कि कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कैसे ट्रेन लेन को यूज़ करते हैं, ब्रोकर्स के बारे में हमने पढ़ा, MT5 प्लेटफॉर्म को यूज़ करना उसके बारे में पढ़ा, फिर जो बेसिक्स क्या है फॉरेक्स उसके बारे में भी हमने कंप्लीट कर लिया पूरा। अब हम थोड़ा एक स्टेप आगे मूव करते हैं, जैसे कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होते हैं। तो उन कैंडलस्टिक्स पैटर्न को हम जानते जानते हम एक पर्टिकुलर सीरीज एक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक स्पेसिफिक कैंडल्स के बारे में बात करेंगे, जिस पर हम एंट्रीज लेंगे और कुछ एडिशनल चीज़ें भी होती हैं जिसको हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न के थ्रू ही जान सकते हैं। तो उन कैंडलस्टिक्स पैटर्न को जानने के लिए आपको आज की सीरीज देखनी है, पूरी देखनी है, और सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, खुद देख के बिना कमेंट करके नहीं जाना है, अपने दोस्तों को जरूर भेजना है। देखो, एज अ कम्युनिटी ग्रो करनी है तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी, सो इसीलिए आप मुझे हेल्प करें। एंड जैसे जैसे प्रोग्रेस बढ़ता जाएगा, मैं और एजुकेशनल कंटेंट डालता जाऊँगा। और इन केस अगर आपको लगता है कि कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं या फिर कोई सीरीज छूट रही है, तो आप एज अ सजेशन आप हमें कमेंट में बता सकते हो, या नहीं तो आप पर्सनली मुझे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप की कम्युनिटी में भी आप आके हमें वहाँ पे अपने क्वेश्चंस के सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। वेरियस एडमिन्स है जो एडमिन्स आपको वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, चाहे कोई भी बेसिक आपका डाउट हो या फिर आपके कोई टेक्निकल डाउट्स हो। इनफैक्ट अगर आप एडवांस ट्रेडर भी हो और कहीं पे लैग कर रहे हो, ठीक है, इंडिकेटर्स छोड़ के अगर प्राइस एक्शन में कहीं आप अगर प्रॉब्लम में हो तो भी आप हमें बता दीजिए, हम वहाँ पे आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कोई पोजीशन फंसी हुई है तो मैं आपको डायरेक्शन बता दूंगा, कैसे लॉट साइज वगैरह की क्या मतलब कैलकुलेशन से वो भी हम बता देंगे, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में जानना। तो आज का जो हमारा सीरीज होने वाला है वो है कैंडलस्टिक्स, कि कैंडलस्टिक्स होते क्या है, ठीक है। तो ओके, सो कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, देखो कैंडलस्टिक्स ऐसा माना जाता है कि बहुत बहुत टाइप के वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। जो कैंडल्स बनती है, जो भी कैंडल्स होती है, बाय की सेल की, उन कैंडल्स में एक स्पेसिफिक पैटर्न बनता है कि कभी जिनका हमने नाम दरअसल सुना है, जैसे कि हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, ट्विजिंग स्टार हो गया, डबल टॉप में कुछ बनता है अलग से वो हो गया, और भी सारे जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग, और भी बहुत सारे काइंड्स हैं, जैसे कि डोजी होता है। तो हम जो यूज़ करेंगे वो है हमारा बाय के लिए इंगल्फिंग बुलिश, ओके। और अगर हम सेल का अगर देखते हैं तो हम देखेंगे इंगल्फिंग बियरिश, ओके। ये दो टाइप की जो है हमारी होने वाली है इंगल्फिंग्स, ठीक है। तो आपको इनको जानना है कि ये है क्या अभी, और हम अदर कैंडल्स को क्यों यूज़ नहीं करते। अगर हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न में आ रहे हैं तो हमारे पास तो अदर भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे डोजी हो गया, हैमर हो गया, इनके बारे में क्यों बात नहीं करेंगे। देखो, हर अपनी एक मतलब जो कैंडल होती है ना, एक बात कहती है आपसे, कि उनका एक मैसेज होता है एज अ इंडिविजुअल, वो आपसे कुछ बात करना चाहती है हर कैंडल। तो उन कैंडल्स के अगर आप बात नहीं समझ पाते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक इनबिल्ट प्रोफेशन होना चाहिए उनकी साइकोलॉजी समझने का। लेकिन जहाँ तक मेरी प्रैक्टिस कहती है, मैंने इंगल्फिंग पे जितना प्रैक्टिस करा है, जो मुझे मेंटर्स ने सिखाया है या फिर जो भी चीज़ें मैंने सीखी है, तो मुझे इंगल्फिंग की भाषा ज़्यादा समझ आती है एज़ कम्पेयर टू अदर। और जिस चीज़ में मुझे एक्टिवली आता है, मैं वही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे मैं बुलिश की बात करूँ, ठीक है, बुलिश देखो अभी आपको इसमें बस देखना है, अब आपको इस पर कोई ट्रेड वर्ड नहीं देखनी है लाइव चार्ट में जाके, क्योंकि देखो इतना इजी तो है नहीं कि कैंडल देख के आप जाओगे चार्ट में देखोगे, आपको हजारों कैंडल दिखेंगे, उन हजारों कैंडल्स में लोगे तो कहीं पे मतलब गलती एंटर करके बैठ जाओगे और फिर ब्लेम करोगे मुझे। तो अभी कुछ नहीं करना है, अभी बस सीखना है, थ्योरी है, ठीक है। सेवंथ डे है आज, तो अभी तो आप स्टार्ट ही हुआ है टेक्निकल का, ठीक है। तो आपको ज़्यादा उसमें फोकसली काम करना है, ठीक है, लाइव चार्ट पर नहीं जाना है अभी जब तक मैं ना बोलूँ, क्लियर। सो ये सेलर्स की कैंडल होती है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, जो सेलर्स की कैंडल होती है ये आपका होता है ओपन, ये आपका आपका क्लोज, और ये जो ऊपर होता है ये नीचे होता है, इनको हम बोलते हैं विक, ठीक है, विक। ये कैंडल की एनाटॉमी होती है, जिसको हम साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, और बीच का जो होता है इसको बोलते हैं बॉडी, जिसको हम लोग वॉल्यूम भी बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में, ठीक है। सो अब देखो ये सेलर्स की कैंडल है, मतलब यहाँ पे सेलर्स भरे हुए हैं। अब मैं बायस की बात करूँ तो
ये रहे हमारे बायर्स। तो बायर्स जो होते हैं थोड़े से स्ट्रेंथफुल है मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो गया ये ओपनिंग, ये हो गया आपकी क्लोजिंग, कि कैंडल यहाँ ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज हो जाती है और ऊपर की विक हो गई, ये नीचे की विक है, लोअर विक, अपर विक, और बीच को सेम हम बॉडी बोलते हैं जिसमें हम वॉल्यूम भी देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये है हस्बैंड और ये है वाइफ, या ये है हस्बैंड और ये है वाइफ, ठीक है। एक लड़का एक लड़की के एग्जाम्पल से भी कर सकते हो। अब इन दोनों की हमने शादी करा दी मान लो, तो एक अलग से फॉर्मेशन पैदा होगी, ठीक है, एक फॉर्मेशन होगी, तो उस फॉर्मेशन को मान लो बुलिश कहते हैं, कि ये मान लो है हस्बैंड, ठीक है, और ये आपकी हो गई वाइफ जो कि यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मतलब जो भी आपको समझना पड़ सकते हो, ठीक है। तो हस्बैंड और वाइफ का आप यहाँ पे मान लो अपनी शादी करा दी, तो ये एक इकट्ठा आपको देखना है, हर चार्ट में आपको उसको इकट्ठा खोजना है कि इकट्ठा कहाँ दिख रहे हैं लोग, ठीक है। और उसको मार्किंग करने का जो जोन बनाने का तरीका है वो ये है कि अगर आप इंगल्फिंग बुलिश देख रहे हो, बाई इंगल्फिंग देख रहे हो, इसके नोट्स बना लेना, अगर आप बाई इंगल्फिंग देख रहे हो, शादी हो चुकी है इनकी, तो अपर विक पे आप एक लाइन लगा दो रेड के, और लोअर विक पे आप लाइन लगा दो रेड के, ठीक है। यहाँ से ये जोन बनेगा, अगर बुलिश आप देख रहे हो तो जोन ऐसे बनेगा। और आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है, ये विक के ऊपर यहाँ पे बॉडी क्लोज होनी चाहिए बायर की, तभी ये इंगल्फिंग बुलिश कहलाएगा। अगर इस विक के अंडर क्लोज होती है तो वो इंगल्फिंग बाय नहीं कहलाएगा, ठीक है। और ये विक कहीं पर भी जा सकती है, नीचे ऊपर, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कितनी भी बड़ी विक हो सकती है, रेड के विक से ही आपको मतलब जोन बना के रखना है, ठीक है गाइस। तो ये हो गया आपका इंगल्फिंग बुलिश, इंगल्फिंग ये हो गया आपका बुलिश, ठीक है। अब आपको फोकस करना है बियरिश इंगल्फिंग पे। तो बियरिश इंगल्फिंग क्या होता है, ये मान लो आपकी बायर्स की कैंडल है और ये है आपकी मान लो सेलर की कैंडल, सेलर की कैंडल ऐसे क्लोज होगी नीचे, ठीक है। अब ये सेलर की कैंडल नीचे क्लोज हो गई, तो अब आपको यहीं पे वही फोकस करना है कि अब ब्लू कैंडल पे आ जाओ। अगर आपको बियरिश करना तो ब्लू कैंडल को देखो, उसकी अपर विक से जोन बना दो, लोअर विक ऐसे लाइन बना दो, ये जोन बन गया। यहाँ पे आपको फोकस करना है कि ये जो रेड कैंडल है इस जोन के, इस लाइन के नीचे क्लोज हो, ठीक है, प्रॉपर नीचे क्लोज हो, एकदम लाइन के ऊपर क्लोज ना हो, उसके नीचे क्लोज हो, ठीक है। और ये ऊपर की विक कहीं पर भी जा सकती है, इसका कोई वो इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ठीक है। ये आपको हो गया बियरिश इंगल्फिंग, ओके गाइस, बियरिश इंगल्फिंग है ये, ओके, ये है बियरिश इंगल्फिंग, ठीक है। अब देखो इसमें आज के जो हमने मतलब इस क्लास में हमने क्या सीखा कि टाइप्स ऑफ इंगल्फिंग क्या है, और कैंडलस्टिक्स जो होते हैं बहुत वेरियस टाइप्स के होते हैं, तो आपको वेरियस नहीं पढ़ना है कि 50 मतलब कैंडल्स पढ़ के 50 तरीके का नॉलेज लेके कोई काम का नहीं होता है, एक ही पकड़ना है, उसी पे आपको एनाटॉमिकली आपको ट्रेडिंग आपको करनी है, लाइव ट्रेड करो, डेमो कुछ भी करो, आपको एक ही कैंडल पकड़ना है, एक ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वही स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पर धीरे 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 सीरीज में कंप्लीट करने का सोच रहा हूँ, मैं कर दूंगा, ठीक है। आपको बस एक्टिवली इस पर फोकस करना है, ठीक है। तो अब जो है आगे आने वाले टॉपिक में हम क्या करेंगे, हम टाइप्स ऑफ इंगल्फिंग करने वाले हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंगल्फिंग। अभी हमने लाइन चार्ट का भी मतलब सॉरी लाइन चार्ट बोल रहा हूँ ट्रेंड लाइन का हमने कंप्लीट किया पीछे में, उस ट्रेंड लाइन से अब हम आएंगे हैं कैंडल्स पे। अब कैंडल्स और ट्रेंड लाइन को मिला के क्या करना है उसके बारे में अब हम आगे धीरे 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 करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वी विल मूव। और वेबिनार भी हम लेने का सोच रहे हैं, एक लाइव वेबिनार आप लोगों के साथ, जो जो हमारे साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, और जो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में भी आ चुके हैं, और जो व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी आना चाहते हैं। अगर आपको अभी तक लिंक नहीं मिली है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम सिग्नल्स भी अपलोड करते हैं, उन सिग्नल्स को आप यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को चेक कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो मिस्टर स्काई, मिस्टर नाकोटिक, आप इनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये हम आपको वहाँ पे इंस्टेंट सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन का हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी अभी के लिए आपको यही चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, जो कैंडल्स बताई है तो दो चार कैंडल्स देख लो, H4 H1 टाइम फ्रेम कोई भी उठा लो, ये कैंडल्स को आप खोजने की कोशिश करो, मिलने के बाद आप हमें ये चैनल मतलब हम आप हमें कॉन्टैक्ट करो, हम आपको वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और प्यारे प्यारे कमेंट्स तो आपके आने चाहिए, ठीक है, ओके गाइस। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं करा है, और लाइक करके कमेंट एक डाल देना अच्छा सा, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर आप चाहते हो कुछ एडिशनल में सीखना तो वो भी डाल दो, मैं वहाँ पर भी आपको हेल्प कर दूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच, एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग वीडियो, थैंक यू।